नमस्ते, मैं विजय अचलेकर, आर्टिस्ट। आज हम पोर्ट्रेट सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मेरी जो भी जानकारी इतने सालों से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, हमें बोला जाता था पोर्ट्रेट करते समय कि फलाना फलाना, जैसे मोनालिसा के बारे में या फिर और कई पोर्ट्रेट के बारे में, तो उसमें इमोशन कैसे आर्टिस्ट ने इमोशन कैसे क्रिएट की है, या उसमें बहुत सारी जो डिटेलिंग है जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ दिखती है, तो वो कैसे उसके ऊपर सिखाया जाता था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वो सब चीज़ों को सीखना है, तो पहले बेसिक चीज़ें जैसे हाथ या कान, नाक, आँखें, इनके बारे में आप थोड़ा अलग से सेपरेट स्टडी कर लो, ताकि पहले उस ऑब्जेक्ट को ठीक से समझ लो, फिर उस ऑब्जेक्ट में होने वाले हल्के से बदलाव को हम पकड़ सकते हैं। तो इसी को हम इमोशन, यानी वो लाइव ऑब्जेक्ट जो कैरी कर रहा है उसके साथ, उसको हम पकड़ पाएंगे। तो उसके लिए आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो उनको समझने के लिए आपको इनकी अलग से स्टडी कर लेनी चाहिए, फिर जाके आप जब मॉडल बैठता है तब इन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हर वक्त हमें मॉडल तो आसानी से मिलता नहीं है। मॉडल अगर बैठेगा तो इन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस नहीं करने के कारण वो वर्क भी हमें उतना अप टू द मार्क दिखता नहीं, कुछ तो मिसिंग ऐसे फील आता रहता है। तो इसके लिए एक अलग तरीका, यानी हम सेल्फ पोर्ट्रेट की तरफ देख सकते हैं कि सेल्फ पोर्ट्रेट करने से एक डेफिनेटली फ़ायदा ये हो सकता है कि हमें पता है कि उस वक्त अब हमारे क्या इमोशन चल रहे हैं, अब हम किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं। तो उसके कारण हमारे फेशियल स्ट्रक्चर पे या पूरे बॉडी पे जो भी बदलाव हो रहे हैं, उनको हम ठीक से अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। तो जैसे ही वो चीज़ें हम पकड़ लेंगे, तो उसमें एक अलग कुछ लगेगा कि यार इसमें कुछ अलग चीज़ बनी है। तो ये चीज़ के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम अपने से झूठ नहीं बोल सकते कि हम ऐसे ऐसे स्टेज पे थे, हमारा पोर्ट्रेट अगर हम थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब है तो वो फेस पे पकड़ेगा, और उस वक्त हमने पेंटिंग किया और वो थोड़ा सा हंसते हुए जा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं गलत पकड़ लिया, हमें गलत फॉर्म की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डाल दी, इसका ऐसा मतलब निकलता है। तो ये चीज़ आपको उसी वक्त पता होती है, क्योंकि सामने मॉडल की तरफ देखते हैं तब हमें फील करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसे उसके रिएक्शन दिख रहे हैं, शायद अंदर से वो कुछ अलग भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है आप सेल्फ पोर्ट्रेट से आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हो। हिना भट वेंचर की तरफ से ये जो भी कन्वर्सेशन मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ पोर्ट्रेट की तरफ से, तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये मौका दिया, तो इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।